जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज के सुपर फास्ट वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एक ऐसा मॉडल पेपर जो परीक्षा में बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पत्र पूछा जाता है जो आज के 50 क्वेश्चंस पर आधारित है। जीके जीएस से लेकर हिंदी के ऐसे प्रश्नों को समाहित किया है जिसमें 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन देखिएगा, कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी भाई हमारा कंसंट्रेशन नहीं भंग करेगा, खोएगा। आइए चार ऑप्शंस के साथ पहला प्रश्न, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चंस की श्रृंखला में आंसर डी होगा, भूटान को कहा जाता है। और भूटान की अगर मैं बात करूं तो राजधानी है थिम्पू। इसी तरीके से थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या बता दें, जापान को कहा जाता है क्या? जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो देखिएगा जब भी थंडर ड्रैगन की बात हो तो भूटान मारिए, और आपके लैंड ऑफ राइजिंग सन की बात हो तो मारिएगा जापान। भारत की सबसे मीठे पानी की जो है झील कौन सी है? तो ये बूलर झील हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों स्थित बूलर झील इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? अगर बात की जाए दोस्तों हम पॉपुलेशन की, तो भारत पॉपुलेशन में पूरे दुनिया को पछाड़ते हुए नंबर वन बन चुका है, यानी 140 करोड़ से भी ज़्यादा हम भारतीय हो चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज जो इलाहाबाद का नया नाम है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर, निम्नलिखित, वीडियो रफ्तार पकड़ रही है दोस्तों और सीट बेल्ट अपनी बांध लो, थकना नहीं है, हिंदी भी मिलेगी, टेंशन मत लो। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 0 डिग्री है, और ये आपका जो पार्ट है ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये कर्क रेखा है क्योंकि भारत के बीचों बीच से जाती है। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो, भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष अगर एग्जाम में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। पांच नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों जेएल नेहरू के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर हम प्रांतीय सभा की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल थे, अगर हम झंडा समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भी जाने जाते हैं, और अगर हम दोस्तों बात करें क्या प्रारूप समिति के तो माने जाते हैं बीआर अंबेडकर जी। उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल की बात की जाए तो दोस्तों राजकीय फूल को अगर देखा जाए तो यह पलास है, और यानी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर डी। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? दोस्तों एक से एक बेहतरीन चैप्टर की आधारशिला हमने रखी है, यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें एक बेहतर कंटेंट और कॉन्सेप्ट के लिए। हम कोई भी बहन के लिए, कोई भी भाई के लिए न मैथ, न रीजनिंग, न जीएस, न जीके, न हिंदी, न करंट अफेयर कोई चैप्टर ऐसा छोड़ेंगे नहीं, कम देंगे, सॉलिड देंगे। वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे दे दी है। आंसर क्या जाएगा? जिगर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्या कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं कहता हूँ बिल्कुल जिगर को कहा जाता है दोस्तों, लीवर कहा जाता है, और लीवर में ही पित्त का उत्पादन होता है, और पित्त का जो संग्रह होता है वो पित्ताशय में। देखिए पित्त जो है इकट्ठा कहां होता है? देखो उत्पादन और इकट्ठे की बात करें तो दोनों अलग हैं, और जिगर जो होता है लीवर में बनता है पित्त। B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों अगर आप विटामिन B7 की बात करोगे तो जो विटामिन बी है और B7 की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे कहते हैं सर बायोटिन हो जाएगा। क्या क्या है सर? बायोटीन हो जाएगा। सर मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बायोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है, और आपको ये मैं बता देता हूँ कि विटामिन की खोज फंक ने करी, और विटामिन बी और सी जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जबकि आप याद रखिएगा जबकि ए और डी और ई और के ये विटामिन होते हैं आपके बसा में घुलनशील होते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए
हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहां पर हुआ था? मेजर ध्यानचंद्र की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये प्रयागराज के थे, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? डी के साथ, इलाहाबाद। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां हुआ था प्यारे? तो मुंशी प्रेमचंद्र की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में ही, यह बनारस में हुआ था, इसलिए 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। हरशेर हरशेरनी 50 में अपना स्कोर जरूर बताएं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो आपको बता दें, पुराने विश्वविद्यालय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात होती है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। देखिए, जब विशेषण की बात की गई है तो ध्यान दो, ये हिंदी का बीच में प्रश्न आया है, जीके जीएस अभी और आ रही है, चिंता मत करें। विशेषण का मतलब होता है कि जब कोई भी विशेषता किसी की बताई जाए, जैसे जैसे ये क्या है, झरना शांत है, झरने का एक विशेषता, विशेषता का वर्णन किया गया, बोले शांत। शांत क्या है? सर विशेषण है। ये लंबाई, बुढ़ापा, समझ, ये क्या है? देखो, लंबा आदमी और लंबाई एक अलग है ना। तो लंबा, छोटा, मोटा, काला, इस तरीके से क्या होता है कि भैया रमेश काला है, रमेश छोटा है, रमेश लंबा है, इस तरीके से हमने कहा कि वो एक विशेषता हो जाती है, लेकिन लंबाई की बात करें वो नहीं। अगला, प्रेरणार्थक क्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों बहुत अच्छा है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया जो है यहां पर क्या है, सुनबाना यहां होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, सुनबाना होना चाहिए, है ना, सुनबाना, है ना, याद रखिएगा, सुनबाना, यहां पर सुनबाना कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया को अगर हम आपको ट्रिक से बताएं कि प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब कोई भी कार्य तुम खुद ना करो, दूसरे से करवाओ। रमेश मोहन से गाना सुनवाता है, इस तरीके के अगर सेंटेंस हो जाए, खुद ना करो अगर दूसरे से सुनवाओ, यानी खुद ना करो, बैठे रहो लेकिन दूसरे से काम हो जाए। तो जैसे अगर मैं बात करूं, रमेश अपने कपड़े अपने छोटे भाई से धुलवाता, धुलवाना, धुलवाता, सुनवाना, सुनवाना, है ना, सुनवाता, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया के साथ जाते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अब मुझे ये बताना क्या सामान्य वर्तमान हो जाएगा या पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा या संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। याद एक चीज़ हमेशा रखना कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या ये पूरी तरीके से पढ़ चुका है? मैं ये कहता हूँ दोस्तों, सर पढ़ चुका, जब पूरी तरीके से पढ़ चुका तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, आंसर बी होगा। मज़ा आ रहा ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। 15 नंबर, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है? जो तत्सम से बना हो, तत्सम से उद्भव हो, उद्भव का मतलब तद्भव, ऐसे समझ लो, है ना। जैसे अग्नि से आग बन गया, दुग्ध से दूध बन गया, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी आपको बताना था। 15 नंबर में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आप देखो, अंगरक्षक, आशा, अंधकार, ये सब क्या, अंधकार, अंधेरा हो गया, है ना, इस तरीके से। लेकिन अचरज जो है ना, अचरज आश्चर्य कहते हैं ना, तो अचरज एक वर्ड है जो तद्भव है, जो बना हुआ है, संस्कृत से बन के आया है। शीत का विलोम क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर शीत का विलोम, शीत के लिए बहुत बच्चे ठंड मार सकते हैं, लेकिन शीत तो ठंड एक ही है, शीत का विलोम होता है क्या, होता है उष्ण होता है, इसलिए विकल्प डी चला जाएगा। 17 नंबर, कर का अर्थ नहीं होता, देखिए आसान प्रश्न नहीं है ये। कर का अर्थ देखो, कर का मतलब होता है आपका हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स भरना, नहीं कहा जाता आयकर, कर है ना, तो वो भी टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, किरण भी होता है, लेकिन कर का मतलब नहीं होता है, ये पूछा गया है, सूर्य नहीं होता, इसलिए विकल्प जाएगा सी के, ए के साथ, ठीक है ना। चलो, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम और सुलभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, देखो दुर्गम का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि जब हम कठिनाई से पहुंचे, ऐसा मार्ग जो कठिनता से भरा हुआ हो। दुर्लभ का मतलब होता है जो कठिनाई से मिलता हो, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पहुंचना कठिन हो वो दुर्गम है, जो कठिनाई से मिलता हो वो दुर्लभ है। अगला, अनिल और अनल का सही अर्थ बताइए। अनिल और अनल का सही अर्थ बताओ दोस्तों। हमने कहा सर अनिल की बात कर लो तो वो हो जाता है हवा, और अनल की बात कर लो तो आग, तो हवा पहले आएगा विकल्प में और आग बाद में आएगा। हवा का मतलब क्या है? हवा हो सकता है, वायु हो सकता है, हवा, और आखिरी में क्या आना चाहिए? आग आना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं। हवा कहाँ पर है? यहाँ पर है, बिल्कुल आ रहा सर, इसलिए विकल्प ए चला जाएगा, है ना, हवा को वायु भी कहा जाता है।
पराजय में उपसर्ग कौन सा है? पराजय। हमेशा उपसर्ग कहाँ पर लगता है? शब्द के आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है प्रीफिक्स। और हमने कहा सर पराजय और परा के लिए हम परा कर सकते हैं क्या, बताइए? बिल्कुल कर सकते हैं, पराधन जय बराबर पराजय, आंसर हमारा सी हो जाएगा। लिखावट अप्रत्यय, हर चैप्टर टच किया है। प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय मेरा पीछे लगता है, और प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, एक होता है तद्धित, एक होता है कृदंत। प्रत्यय अगर पीछे लगता है तो लिखावट में आवट प्रत्यय आ रहा है, इसलिए विकल्प हमारा डी जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद बता दो। महोत्सव महाधन उत्सव होता है, संधि विच्छेद स्वर होता है, यानी संधि आपकी स्वर होती है। और अगर देखा जाए यहाँ पर गुण संधि है, और अगर देखा जाए महाधन उत्सव, और महाधन उत्सव बराबर किस में दिया गया है? क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया? सर बिल्कुल दिया गया है। 23 नंबर, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश बताओ। मैंने ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है जाना, और ऑप्शन डी है था। मैंने घर जाना था होता नहीं है, मुझे घर जाना था, है ना, और मुझे होना चाहिए था, बता रहा वाक्य में अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही अशुद्धि हो गई। 24, पुस्तक पढ़ी जाती है मैं कौन सा वाच्य होगा? वाच्य होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है कृतवाच्य कर्ता के आधार पर, कर्मवाच्य कर्म के आधार पर, और भाववाच्य भाव के आधार पर। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक अगर पढ़ी जाती है तो कर्म हो रहा है, और पुस्तक अगर पढ़ी जाती है तो कर्म हो रहा, तो कर्म के आधार पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर राम पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य हो जाता, और अगर कहता पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है तो भाववाच्य हो जाता। ट्रिक हमेशा याद रखो, जहां पर नहीं आ जाए भाववाच्य, जहां पर किसी काम को कराया जाए तो कर्मवाच्य, जहां पर कर्ता उपलब्ध हो तो वो कृतवाच्य हो जाएगा। समझ में आया? 25 नंबर, निम्नलिखित में से अव्यय बता दो। अव्यय का मतलब होता है जो कभी बदले ना, लिंग वचन के अनुसार बदल ना जाए, अपनी परिस्थिति में वैसा ही रहे प्यारे। प्राचीन मोटा गरीब, और अगर आप देखोगे दोस्तों तो आप देखो प्राचीन की बात करोगे तो प्राचीनता हो सकता है, है ना, प्राचीनतम हो सकता है, अपनी स्थिति को ना बदले। मोटा का मोटी हो सकता है, गरीब का गरीब हो सकता है, गरीब लोग हो सकता है ना, गरीब का बहुवचन गरीब लोग होता है, इसलिए ये तीनों बदल गए, और नहीं कभी बदल सकता, और तथा इसलिए किंतु परंतु तथा, है ना, ये सब बदल नहीं सकते, जो बदले ना वही अव्यय है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बताओ। हिंदी में अगर देखा जाए तो विराम के प्रकार कितने होते हैं? सर विराम के प्रकार होते हैं 20, और विराम के जनक कौन है? सर कामता प्रसाद है। कौन है? सर कामता प्रसाद है, ये भी बात आपको याद रखनी है। हिंदी में विराम चिन्ह की बात करें तो ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है, ये आपका कौन सा है, ये आपका अगर देखा जाए इसको सही से अगर बना दिया जाए तो इसको यहाँ पर अल्पविराम, और ये आपका हो जाता विस्मयादि बोधक। हमने कहा सर ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 27, दूध का धुला होना, दूध का धुला होने का मतलब होता है क्या? निर्दोष होना होता है। कमेंट फास्ट, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। वीडियो लाइक कर लेना, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो। सुबह 9 बजे क्लास आपकी चलती है ग्राफ वाली, शाम को 4 बजे रीजनिंग चलती है, रीजनिंग मैथ चलती है, और ये वाली क्लास आपको मिल रही है जो आप देख रहे हो, ये जीके जीएस हिंदी मिल रही है, साथ में करंट अफेयर, साथ में यूपी स्पेशल और अदर प्रैक्टिस सेट भी पूरी तरीके से खत्म करा रहे हैं। क्या चाहिए आपको? बहुत बढ़िया। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों बताना है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, क्योंकि वीरत्व में उत्साह तो होता ही होता है। और अगर रस की बात करें तो रस के जो जनक होते हैं प्यारे वो कौन है? भरत मुनि हो जाएंगे, ये भी बात आपको याद रखना है। पेन सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा हूं। दोहा के प्रथम चरण में कुल कितने मात्रा होते हैं? तो आपको मैं बता देता हूं प्यारे कि दोहा की बात आ रही है, जीएस के लिए कितने तैयार हैं, फिर से जीएस शुरू होने वाला है। चलो, दोहा के प्रथम चरण में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं, और यहीं सोरठा लिखा होता तो 11 मात्राएं मार देते। दोहा का उल्टा होता है सोरठा, और सोरठा का उल्टा होता है दोहा। निम्नलिखित में शब्दा अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको बता देना है, फटाफट बता देना है आंसर क्या होगा। चलो 2-3 क्वेश्चन और हिंदी के करते हैं, फिर जीके जीएस पर आते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर शब्द अलंकार, जो शब्द और वर्ण के द्वारा हो, तो हमने कहा ये सब शब्द अनुप्रास यमक, याद रख लेना, अनुप्रास यमक जो होता है दोस्तों वो हमेशा यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार में ही जाता है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। बाद बाकी अर्थालंकार। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि, अब देखिए ये दंते हो गई,
ये आपका ओष्ठ हो गया, ये आपका कंठ हो गया, तो बचा तो यही सी ऑप्शन बचा। तो सा हमेशा तालव्य होता है, और ये वाला जो सा होता है ये हमेशा दंत होता है, और ये वाला जो सा होता है ये हमेशा मूर्धन्य होता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, इसलिए तालव्य के साथ ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला 32 नंबर कहता है कौन सा वर्ण अघोष है। चलिए तीन क्वेश्चन और देखेंगे, कहता है तीन से चार क्वेश्चन और देखेंगे और फिर चलेंगे यहाँ पर जीके पर। वर्ण अघोष होता है, अघोष के अघोष का मतलब होता है हर वर्ग के दो स्टार्टिंग के अघोष होते हैं और लास्ट के तीन घोष होते हैं। तो अघोष वर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग के दो अघोष होते हैं, तो यही तो आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए काखा काखा बात करोगे, काखा गा घा और इंग्या, स्टार्टिंग के दो हर वर्ग के क्या होते हैं, अघोष होते हैं, तो आपको मिल गया ना अघोष। और लास्ट के तीन देखो ये भी नहीं हो सकता, ये क्या है, ये सर आपके घोष हो जाएंगे ना, ये हो सकता। और चाछा जाझा में देखिए चा होता है, छा होता है, जा होता है ना, तो ये भी लास्ट में आ जाएंगे, तो ये दो आपके अघोष हो गए ना, तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। उपहार दिया जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है, मस्तक है ना, और रचना, और रचना हमेशा लिखी जाती है। मस्तक हमारा क्या है, हमारे मस्तक पर कहते हैं ना भगवान महाकाल, चंद्र धारण किया हुआ मैंने, महाकाल कहते हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, आ जाओ स्त्रीलिंग भी जाना पुल्लिंग भी जान लो। पुल्लिंग की बात करी जाए तो इच्छा की जाती है स्त्रीलिंग है, रक्षा की जाती है स्त्रीलिंग है, योग्यता अच्छी है बुरी है ना स्त्रीलिंग है, राष्ट्र और देश हमेशा पुल्लिंग होता है, यही आंसर हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है लड़का, घोड़ा, प्राण, बधु। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये तीन चीज़ें याद रखो, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये आपके बहुवचन में ही होते हैं। चलो 36 नंबर दो क्वेश्चन और, ने किस कारक का चिन्ह है, अगर आप कर्ता ने है ना, हाँ 38 क्वेश्चन के बाद आप जो है जीके जीएस देखेंगे। ने किस कारक का चिन्ह है, और ने की बात करें तो कर्ता आता है कर्ता ने, और कर्म के साथ कर्म को, करण के साथ से, करण से, और संप्रदान की बात करें तो संप्रदान के लिए आता है ना, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा, कर्ता ने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों याद रखिएगा सर्वनाम वो है जैसे हम कहते हैं संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है, और अगर मैं की बात करो, वह की बात करो, यह की बात करो, आप की बात करो, तुम की बात करो, ये सब क्या है, ये सर सर्वनाम है, आंसर हो जाएगा बी। आइए 38 नंबर देखिए, अब थोड़े से कठिन क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। देखो भैया यहां पर सब कुछ मिलेगा, सुपर फास्ट मिलेगा, मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, बस कमर बांध, कमर कस लो और सीट बेल्ट बांध लो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए इन ऑप्शन के हिसाब से। देखो अगर सर्वोच्च चोटी की बात करो तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन इन ऑप्शन में कंचनजंगा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो सागर माथा कहा जाता है नेपाल में कहा जाता है, और नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, और हम भारत के लोग माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। अगला पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की श्रेणियों का जो सम्मिलन होता है, देखो पूर्वी घाट ये होता है, पश्चिमी घाट ये होता है, इनकी चोटियों का जो सम्मिलन है दोस्तों उसके स्थल को क्या कहते हैं, उसको स्थल को कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी, और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये दोस्तों है आपके तमिलनाडु क्षेत्र में है, ठीक है ना। चलो सतलज, लास्ट के 10 प्रश्न, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है। 41 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, कठिन क्वेश्चन है, बच्चा देखता है भूल जाता है, कुमायूं हिमालय, ठीक है। चलो कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम का मतलब होता है इलायची की पहाड़ियां, किस राज्य में अवस्थित हैं। इलायची की पहाड़ियां दोस्तों अगर देखी जाए तो इलायची की पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं, कमेंट कीजिएगा। हाँ चलो, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं। देखो जो बच्चा यहां पर केरल मार रहा है बिल्कुल सही है, केरल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, केरल में इलायची की पहाड़ियां हैं, और आपकी क्या है, आपकी नीली नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, और चाय की जो है बागान है असम क्षेत्र में। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है गॉडविन ऑस्टिन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नार्गे जो विश्व की सर्वोच्च जो है पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले
जो है विजय प्राप्त की थी। तो माउंट एवरेस्ट की बात अगर करी जाए, हिलेरी और जो है तेनजिंग के द्वारा चढ़ाई कब की गई, तो आपको बता दें 44 नंबर का जो आंसर है 1953 ईस्वी में जो है चढ़ाई की गई। अगला प्रश्न है 45, गारो खासी जयंतियां जो है एक आपकी क्या है, एक आपकी जनजातियां भी हैं और एक तरफ आपकी जो है पहाड़ियां भी हैं, ये कहां पर अवस्थित हैं? तो आपको बता दें ये दोस्तों आपकी अवस्थित हैं कहां पर, हमने कहा मेघालय क्षेत्र में अवस्थित हैं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित हैं, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, नई और नई दोस्तों हिमालय है, आपको पता है हिमालय एक बलित पर्वत का रूप है, और अगर पुराना यहां पर पूछ लेता तो पुराना आपको मार देना था यहां पर अरावली, है ना। तो जब भी पुरानी पूछी जाए मेरी बात एक नोट कर लेना, कभी ना कभी एक क्वेश्चन इनमें से आएगा, नई पूछे तो हिमालय मार देना, नई पूछे देखो न्यू लिख दो यहां पर एन और यहां पर ओल्ड लिख दो यहां पर, है ना, तो नई पूछे हिमालय मार दो और पुरानी पूछे तो आप मार दो भैया अरावली मार दो, जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में आपकी यहां पर पूछा गया दक्षिण भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, ऐसे पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अन्नामुड़ी अगर मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, दोदा बेटा नहीं, अन्नामुड़ी हो जाएगा दोस्तों। अन्नामुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर है, क्या है, जिसको दक्षिण भारत कह लो, प्रायद्वीपी क्या होता है, प्रायद्वीपी इधर पानी इधर पानी इधर पानी इधर भूमि, तीन तरफ से पानी अगर घिरा हो उसे प्रायद्वीपी क्षेत्र कहते हैं। और अन्नामुड़ी अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो केरल में है, और कितनी है इसकी ऊंचाई, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, इडुक्की के इनारकुलम जिले में अवस्थित है। 48, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अगर भारत की बात करी जाए फिर से दोस्तों तो ये वाला क्वेश्चन फिर से हो जाएगा क्या, कंचनजंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभी शायद ही क्वेश्चन हो गया लेकिन दूसरी तरीके से पूछा गया। नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है, तो केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं लेकिन राज्य भी लिखा है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में पड़ती है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, देखो समय कतई नहीं लिया, 20 मिनट कहा था तो 20 मिनट में हो गए पूरे 50 क्वेश्चन, हिंदी जीके जीएस सब कुछ ट्रेंडिंग करा दिया। गुरु शिखर की बात करी जाए तो गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, अरावली पर्वत शिखर है, विंध्य पर्वत शिखर है, या दक्कन का पठार है, या सतपुड़ा जो है पर्वत श्रृंखला है। अगर मैं बात करता हूं 50 नंबर में तो ये गुरु शिखर जो है अरावली, देखो अरावली क्या है, सबसे पुरानी चोटी, हिमाचल क्या, हिमालय क्या है, सबसे नई चोटी, अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, गुरु शिखर, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो सारे वीडियो देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, लाइक कर लो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को, आप सभी को बहुत बहुत परीक्षा की शुभकामनाएं। रुक नहीं रहे हम, पूरे दिन क्लास आपके लिए ला रहे हैं, लेकिन बस हमारा मतलब केवल इतना ही है, मकसद भी यही है कि सबसे कम समय में ज्यादा कॉन्टेंट, 20 मिनट में 50, 20 में 50, टॉप 10 में 100 क्वेश्चन, इस तरीके से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अंतिम समय में और वही पढ़ा रहे जो परीक्षा में आयोग पूछता है। भरोसा रखो, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर ले, सुबह 9 बजे ग्राफ की क्लास यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, शाम को रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास आपको यहां पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, शाम को 5 बजे क्लास यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, और दोपहर 2 बजे क्लास यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए दोस्तों आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी 2.0 जरूर सब्सक्राइब करें। आपका भाई धीरज द्विवेदी अलविदा कहता है आप सभी को और विदा लेता है इस प्यार के साथ, और हम ये उम्मीद करेंगे अपने 5 मित्रों में ये वीडियो शेयर जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।